1603 का जो साका हुआ उसका मुख्य कारण था रानी पद्मिनी की को प्राप्त करने की लालसा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, जिसके बारे में हमने लंबी चर्चा की आपसे, और अब राघव चेतन और रानी पद्मिनी का जो किस्सा है उसको लेकर मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो दरअसल कौन है जरा बताएंगे आप? रानी पद्मिनी नहीं है, दीपिका पादुकोण है, ठीक है। और दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मिनी का रोल किया था मूवी में, तो वो है। बाकी रानी पद्मिनी तो बहुत सुंदर थी, नहीं है? तो ये भी वैसे सुंदर है, ऐसा नहीं है। दरअसल बच्चों रानी पद्मिनी कौन थी, मैं आपको बताता हूं। सिंगल द्वीप पड़ता है हमारे श्रीलंका में, वहां की राजकुमारी थी। और मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं पद्मावत, ये लिखते हैं 1540 में, जब शेरशाह सूरी का काल था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, और पद्मावत में बताते हैं कि हीरामन तोते ने रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी की सुंदरता के विषय में बताया। तो 12 वर्ष तक योगी का वेश धारण करके रावल रतन सिंह पहुंच गया सिंगल द्वीप, आज का श्रीलंका, जैसा मलिक मोहम्मद जायसी बताता। और वहां पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद में योगी का वेश धारण किया, जंगल में रानी पद्मिनी जो राजकुमारी थी वहां की, उसको किसी भी तरह से प्रभावित किया रावल रतन सिंह ने, और प्रभावित करके अपना वास्तविक परिचय दिया कि मैं चित्तौड़गढ़ का राजकुमार। तो वहां के राजा गंधर्व सेन ने रानी पद्मिनी का ब्याह कर दिया। किसके साथ? राजकुमारी पद्मिनी का, रावल रतन सिंह के साथ। चित्तौड़ आ गए। दरअसल में रानी पद्मिनी के साथ उनके एक भाई आए थे और एक चाचा आए थे, जिनका नाम है गोरा बादल। गोरा बादल सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए थे। चित्तौड़ में आ गई रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे पूरे आसपास के प्रदेश में फैल गए कि भाई चित्तौड़ की रानी बहुत सुंदर है। रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक निवास करता था, राघव चेतन। और राघव चेतन ने बच्चों रानी पद्मिनी की सुंदरता से आसक्त होकर रानी पद्मिनी पर जादू टोना कर दिया। रानी पद्मिनी पर जादू टोना कर दिया, जगह जगह के नीम हकीम बुलाए, इलाज बुलाए, इलाजी बुलाए, वैद्य बुलाए, लेकिन पद्मिनी ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो तो जादू टोना था, कोई रोग थोड़ी था। तो फिर देवी देवताओं के माध्यम से रानी पद्मिनी का वो रोग भी ठीक किया। देवी देवता आए, उन्होंने बताया कि भाई इस पर किसी ने बुरी आत्मा का प्रभाव है, बुरा साया का प्रभाव है, उसको हटाया जाएगा। और जैसे ही बुरी आत्मा का प्रभाव उठा, रानी पद्मिनी वापस अपने स्वरूप में आई। पता लगा भाई किसने किया, तो पता लग गया राघव चेतन ने किया है। और राघव चेतन ने किया तो दरअसल में यहां पे सबसे बड़ी बात, रावल ने उसको राज्य से निकाल दिया। अच्छा बच्चों, आप रावल की जगह होते तो क्या करते हैं? आपकी पत्नी के साथ किसी ने जादू टोना किया, आप रावल हैं, आपकी पत्नी पद्मिनी है, आप क्या करते हैं? बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने, बिल्कुल। और मैं भी होता तो मैं भी सर कलम कर देता, बिल्कुल। क्या कर देता? सर कलम। क्योंकि सर कलम करने से एक तो अब दरअसल में वो राघव चेतन किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, और वहां पे उसकी सौंदर्यता के बारे में बखान करता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी बहुत अत्यंत सुंदर है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बात को लेकर यहां पर क्या किया? अटैक किया। कहां? चित्तौड़गढ़ में अटैक किया, डेरा डाला, आ गया, लगभग 8 महीने तक घेरा डाल के रखा। लेकिन चित्तौड़गढ़ तो भाई अंदर ही पैदा होता है, खेती वगैरह सब पैदा होती है हमारे चित्तौड़गढ़ में, ऐसी कोई बात तो है नहीं। परेशान हो गया बाहर से ना, वापिस लौटने लगा, पर उसके दिमाग में जाते जाते एक आइडिया आया, क्यों नहीं, होली हिंदुओं का अच्छा त्योहार है,
और होली पर गिले शिकवे बुलाए जाते हैं, क्यों नहीं हम मुलाकात करें रावल से। उसने अंदर मैसेज भेजा कि हम जा रहे हैं वापस दिल्ली और जाते जाते एक बार मुलाकात करना चाहते हैं, वेलकम, स्वागत। राजपूताने में हमेशा अतिथि का सम्मान होता है भैया, सम्मान किया, दावत खिलाई, बढ़िया खाना खिलाया। मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि जाते जाते अलाउद्दीन ने कहा कि आप अपने परिवार से मिलवाए, और मलिक मोहम्मद जायसी ने यह बताया है कि रावल रतन सिंह ने दर्पण के माध्यम से पद्मिनी के दर्शन करवाए, और अलाउद्दीन खिलजी बड़ा आसक्त हो गया भैया पद्मिनी को देखकर, पागल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का एक खास सिपहसालार था मलिक काफूर, आपने सुना होगा मलिक अलर्ट तुरंत, जी हुजूर जी हुजूर। मलिक को, मलिक एक हिजड़ा था बच्चों, जिसको 1000 दीनार में खरीदा था, इस वजह से उसको 1000 दीनारी कहा जाता है, गुजरात से खरीदा है उसको। तुरंत कुल मिलाकर तैयारियां की गई दिल्ली जाने की, मैसेज भाई हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी रणनीति बनाई गई कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो जाते जाते एक बार हम भी रावल की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वेलकम टू रावल, आइए हमारे शाही भोज में। रावल को बुलाया गया, रावल आ गया और रावल को बंदी बना लिया, और अंदर मैसेज भेज दिया कि अब जब तक रानी पद्मिनी शाही हरम में नहीं आएगी हम नहीं छोड़ेंगे। दरअसल में बच्चों रावल रतन सिंह की दो रानियां थी, एक रानी और है जिसका नाम है नागमती, एक पद्मावती और एक, और नागमती ने रानी पद्मिनी को बहुत भला बुला का, बुरा कहा कि आज मेरा रावल अगर बंदी हुआ ना तो तेरी वजह से हुआ है, जो भी है ना कलह की जड़ तू है। नागमती कहती है रानी पद्मिनी से कि मैं क्यों, कि तुम्हारी सुंदरता है, अगर तुम इतने सुंदर नहीं होते तो ना अलाउद्दीन दिल्ली से चित्तौड़ आता और ना मेरे रावल को बंदी बनाता। गुस्सा आ गया रानी पद्मिनी को कि मैं सुंदर हूं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष है देखने वाले की आंखों में, कौन किस नजर से देखता है, और अगर यही बात है तो मैं चल रही हूं, जा रही हूं अब राहुल को छुड़ाने के लिए। गोरा और बादल आ गए, हम राजपूत हैं, हमारे रहते हुए कोई महिला अगर जा रही है तो हमारी क्या तलवारों में जंग लग गई, गलत बात। गोरा और बादल ने अंदर मैसेज भिजवा दिया वहां पर शाही हरम में कि रानी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी आ रही, अकेली नहीं आ रही, दासियों के साथ आ रही है, पालकियों में आएगी, रानी है चित्तौड़ की, कोई छोटा मोटा मामला थोड़ी है। और पालकियों में राजपूत सैनिकों ने महिलाओं का वेश धारण करके भाई साहब पहुंच गए, जबरदस्त युद्ध हुआ, गोरा जी, बादल जी, रावल रतन सिंह जी केसरिया बाना धारण करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के अंदर 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही आता है और देखता है जौहर को, देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जीत गया वो, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा वो पूरी नहीं हुई जो वो चाहता था, जबरदस्त वाकया हो गया। और लगभग 74 मन सोना यहां से अलाउद्दीन खिलजी लेकर गया है, 74 मन सोना, क्योंकि हमारी महिलाओं के सोना था वो, जो 16,000 वीरांगनाओं ने जो जौहर किया वो सोना अलाउद्दीन लेके ले गया यहां से, कितना बड़ा सोने की चिड़िया, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं इंडिया को, भारत को, तो बड़ा ताजुब होगा इस बात पर। तो ये बच्चों हमारा चित्तौड़ का पहला साका है, और अब आप लिखना शुरू कर दो। तो लिखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया,